शाम का समय था। समंदर किनारे पानी में पैर लटकाए वरुण बैठा हुआ था। उसे किसी का इंतजार था। वो बार बार घड़ी को देखता, फिर सामने पानी में देखने लगता। तकरीबन आधे घंटे के इंतजार के बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। प्रिया, वो खुश होते हुए उसके गले लग गया। वरुण, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? मैंने कहा था ना, मैं 7 बजे से पहले नहीं आने वाली। क्या करूं, मुझे तो तुम्हारा इंतजार करना भी अच्छा लगता है। वरुण, ये बातें हमारे बीच बहुत हो चुकी। ये बताओ, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वो 50,000 की जॉब छोड़ी कि नहीं? प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, लग जाएगी। पिछले 6 महीने में तुम कोशिश ही कर रहे हो। पहले अच्छा खासा 2.5 लाख रुपए महीना कमाते थे तुम। तुम्हारी पूटी किस्मत कि कंपनी में आग लग गई। तुम एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो, मैं उनको सब समझा दूंगा। वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो लोग मुझसे, इसीलिए मैंने 1 साल से उन्हें रोक के रखा था। अब और नहीं रोक सकती। अगर अगले 2 महीने के अंदर तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लगी तो भूल जाना मुझे। वो लड़का 3 लाख महीने कमाता है, बहुत खुश रखेगा मुझे। ऐसा कहकर प्रिया वहां से चली गई। वरुण को उसके पतले तेवर देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी वही प्रिया है जो घंटों उसके साथ प्यार वफा की बातें किया करती थी। उसने अपने दिमाग को दूसरी जगह लगाने के लिए अपने पिता के कमरे में रखी अलमारी से किताबें निकाली और आखिरकार उसे एक किताब मिली, शैतानों की गुफा का खजाना। वो बेड पर गया और उसे पढ़ने लगा। न जाने उसमें ऐसा क्या लिखा था कि उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने अगले ही दिन अपने 3 दोस्त नवीन, सुशांत और मेघना को घर बुलाया। मैं जो कुछ भी बताऊं उसे मजाक नहीं समझना, मैं हम सभी के भले के लिए ही बता रहा हूँ। अरे तो बोलना, बात क्या है, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? महेशपुरी के जंगलों में एक मायावी गुफा है और ये दावा है कि उसके अंदर अरबों रुपए का खजाना रखा है। वो गुफा दिन में तो आम दिखाई देती है, लेकिन अमावस्या की रात वो अपने खजाने का दरवाजा खोल देती है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उसके बाद वरुण ने उनको घंटों कुछ समझाया, जिसके बाद वो उसके साथ चलने को राजी हो गए। अमावस्या की रात वो चारों कंधों पर बैग और हाथों में टॉर्च लिए हुए महेशपुरी के जंगल में पहुंचे। उसके अंदर जाकर काफी देर चलने के बाद उनको एक गुफा नजर आई, जिसके अंदर घनघोर अंधेरा था। यही वो गुफा है, चलो चलते हैं। यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं अंदर कोई जानवर हुआ तो? करोड़ों का सवाल है, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। ये सुनकर मेघना ने आगे कुछ नहीं कहा। वो सभी गुफा के अंदर घुस गए। सामने की तरफ टॉर्च मारते हुए वो अभी कुछ कदम आगे चले ही थे कि उन्हें एक भयंकर आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह के आगे एक बड़ा सा पत्थर अपने आप खिसक गया और गुफा का मुंह बंद हो गया। तभी एक बेहद डरावना साया उनके सरों के ऊपर से गुजर गया। क्या था वो जो हमारे सरों के ऊपर से गुजरा? और ये दरवाजा भी बंद हो गया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? यस यस, परफेक्ट, हम यहाँ फंस चुके हैं और तू खुश हो रहा है? अरे यार, गुफा बंद हो गई है, इसका मतलब हम सही गुफा में हैं। किताब में यही लिखा था, गुफा में जाने के बाद 10 कदम चलने पर ही उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। और जब हमें वापस जाना हुआ तो? वापस जाने का रास्ता खजाना मिलने के बाद नजर आएगा। जिस जगह खजाना होगा ऐसा ही दरवाजा हमें वहाँ खुला नजर आएगा। आ गए हमारे लिए नए नए शिकार। ये आवाजें सुनकर वो सभी डर गए और सुशांत बोला,
ये आवाजें किसकी है? इतनी डरावनी? इन पर ध्यान मत दो, ये तिलस्मी गुफा है, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब उन सभी के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। गुफा का दरवाजा बंद था, इसलिए वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन इन लोगों ने आगे कदम बढ़ाए। तभी अचानक से जमीन फट गई और चारों नीचे गिरने लगे। वो चारों ऐसे ही काफी देर तक नीचे गिरते रहे। जमीन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, जैसे वो हजारों फीट ऊपर हो। अब हमें से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इस बार वरुण को भी बहुत डर लगने लगा। अचानक उनको नीचे कुछ चमकता नजर आया। वो चिल्ला रहे थे, बचाओ 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 बचाओ। तभी छपाक से वो पानी में गिरे। उन्होंने देखा कि वो एक बड़े समंदर में है और सामने ही एक जंगल नजर आ रहा है। आ गए तुम लोग मौत के मुंह में, अब तुम मेरा खाना बनोगे। उन सभी ने कांपते हुए पीछे देखा तो एक बेहद भयंकर चुड़ैल पानी के ऊपर खड़ी थी। उसे देखकर उनका दिल दहल गया। अब वो तेजी से उनकी तरफ भागी। वो सभी डरकर तेज तेज किनारे की तरफ जाने लगे। नवीन एक अलग ही दिशा में तैर रहा था, वो चुड़ैल भी उसी के पीछे भाग रही थी। जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, नवीन ने एक छलांग ऐसी लगाई कि वो जमीन पर आ गया और वो चुड़ैल किनारे पर खड़ी उसको खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। उसके मुंह से खून निकलकर पानी में टपकने लगा। मैं जमीन पर नहीं आ सकती, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, लेकिन इस शैतानों की दुनिया में तू आखिर कब तक जिंदा रहेगा? मारा जाएगा। ऐसा कहकर वो फिर से वापस पानी में भाग गई। नवीन ने इधर उधर देखा तो उसे हर जगह जंगल ही नजर आ रहा था। ये लोग कहाँ चले गए? इनको अब कैसे ढूंढूं? क्या वहाँ कोई है? जरा इधर आओ। कौन है? डरो नहीं, मेरे पास आओ। नवीन उस आवाज की तरफ रवाना हो गया। उसने देखा कि सामने एक टीले पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लेटी है और उसके पास ही एक खजाने का बक्सा रखा हुआ है। इधर देखो, तुम्हारा ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं, मेरे खजाने पर है। इस पर नवीन ने उस लड़की को देखा। गोरा सुडोल बदन और उसके ऊपर बहुत ही कम कपड़े थे, जिसे देखकर किसी भी मर्द का मन मचल जाना एक संभव सी बात थी। वो नवीन के करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तुम ये खजाना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ लम्हे गुजारो। मुझे अब तक किसी मर्द ने छुआ नहीं है, सुबह होते ही मैं खुद तुमको इस खजाने के साथ विदा करूंगी। ऐसा कहकर वो वापस उस टीले पर जाकर लेट गई और हाथ के इशारे से नवीन को अपने पास बुलाने लगी। नवीन भी चेहरे पर चमक लिए उसके पास पहुंचा। उसने एक ही झटके में नवीन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। नवीन उससे लिपट गया। आपका शरीर तो बहुत ही ठंडा है। इस दुनिया की औरतें ऐसी ही होती हैं। ऐसा कहकर उसने नवीन की कमर को अपने हाथों में कस लिया। कुछ देर नवीन को वो बड़ा ही अच्छा लगा। फिर उसने महसूस किया कि उस लड़की की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। ये क्या कर रही हो तुम? इतनी जोर से क्यों पकड़ रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। नवीन उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की के अंदर मानो 10-10 आदमियों की ताकत थी। नवीन ने देखा कि अब उसका चेहरा बदलने लगा है। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और वो एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो चुकी थी। छोड़ो छोड़ो मुझे। डरो नहीं, सुबह तक ये खजाना तुम्हारा हो जाएगा, बस आज रात मेरे पास रुक जाओ। तभी नवीन को महसूस हुआ कि उसके दाएं हाथ की हड्डियां टूट रही हैं। उसे इतना दर्द हो रहा था जितना वो बता भी नहीं सकता था।
इसे कहते हैं सच्चे प्यार की मजबूत बाहें। बुढ़िया ने उसे छोड़ दिया। नवीन खड़ा हुआ और अपने हाथ को पकड़े हुए दर्द से चीखने लगा। वो बुढ़िया फिर से उस पर झपटी और उसे गर्दन से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाने लगी। नवीन उससे बचना चाहता था, तभी नवीन की गर्दन टूट गई। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और बुढ़िया के हाथ में उसकी टूटी हुई गर्दन रह गई। मैं तो इसको चूमने वाली थी, ये तो खत्म ही हो गया। ऐसा कहकर वो उसकी गर्दन को किसी गेंद की तरह हवा में उछालती हुई वहां से चली गई। जो खजाने का बक्सा था उसके अंदर अपने आप खून जमा होने लगा और सारा खजाना खून में ढक गया। इस तरह वरुण, मेघना और सुशांत को समझ नहीं आ रहा था कि नवीन आखिर कहां रह गया। क्या सच में इन्हें कोई खजाना मिलेगा या फिर ये भी मौत का शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग।